राम राम दोस्तों, मैं राकेश कोचर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब टाइप्स ऑफ बेल ड्राइव पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव अर्थात पट्टा चालन के प्रकार। पट्टा चालन के कौन कौन से प्रकार है? देखो, मुख्यतः मेरे पास पट्टा चालन के दो प्रकार हैं। एक तो आता है ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, और दूसरा आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं खुला पट्टा चालन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रॉस पट्टा चालन या तिरछा पट्टा चालन, ठीक है ना। अब क्या है, दोनों चित्र बना लेते हैं हम। साहब ये है दो घिरनियाँ, एक और दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पर है दो घिरनियाँ, ये एक ये दो। अब अगर क्या है, मैं इन दोनों घिरनियों को पट्टे के माध्यम से ऐसे जोड़ दूं, तो आप एक तरीके से देखिए, अगर ये कोई जबड़ा होता तो ये मुंह खुला हुआ है। इसी प्रकार से आप इधर के केस में देखिए, ये मुंह खुला हुआ है, तो इसको तो बोलते हैं खुला पट्टा चालन। अगर आप इसको जबड़ा स्वीकारें तो एक तरीके से जबड़ा खुला हुआ है ना, पट्टे ऐसे हैं तो। और इस केस में क्या होता है, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता उल्टा, तो इस केस में देखो ये आपने ये तिरछे हो गए ना, बंद हो गए, और इसमें भी क्या हो गया, तिरछे हो गए, बंद हो गए। तो क्लोज या क्रॉस बोल सकते हैं हम। क्रॉस तो इसलिए कि ये क्रॉस हो रहे हैं, ये ओपन किस लिए, क्योंकि एक तरीके से इसमें ये खुला हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ओपन पट्टा चालन, और इस प्रकार के जो विन्यास होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पट्टा चालन, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, समझ लिया। अब क्या अंतर है साहब इन दोनों में? पहली बात कि इसमें देखो, मुझे बताओ, अगर ये पहली वाली चरखी या पहली वाली पुली मेरी ऐसे घूम रही होगी तो ये बेल्ट कैसे जा रही है, ऐसे, तो ये बेल्ट ऐसे चलेगी तो ये बेल्ट कैसे घुमाएगी, इसको ऐसे घुमाएगी, ये बेल्ट किधर आ जाएगी, ऐसे। तो इसका डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, जरा ये बताना ये भी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलीज, दोनों घिरनियाँ एक ही दिशा में घूमती है, समान दिशा में घूर्णन करती हैं। इधर आओ क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, मैंने इसको वैसे ही घुमाया जैसे इस केस में घूम रहा था, क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, क्लॉकवाइज। अब ये बेल्ट आएगी ऐसे, अब ये बेल्ट ऐसे आएगी ना, तो इस पट्टे को कैसे, इस पुली को कैसे घुमाएगी, ऐसे, और ये फिर बेल्ट इधर आ गई, अरे ऐसे घूम गई। अब बताओ ये क्लॉकवाइज और ये कैसे घूम रही है, ऐसे। ये कौन सी दिशा है, वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्रॉस पट्टा चालन में दोनों जो पुलीज हैं, दोनों घिरनियाँ विपरीत दिशा में घूर्णन करती हैं, समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करती है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, ओपन बेल ड्राइव के द्वारा कम शक्ति का ट्रांसमिशन किया जाता है, कम पावर ट्रांसमिट की जा सकती है, लेकिन क्रॉस बेल ड्राइव के द्वारा थोड़ी इसकी तुलना में ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। उसका कारण यही स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, ये जब बेल्ट जा रही है, मान लो ये आपका ड्राइवर है, नंबर एक ड्राइवर है और नंबर दो ड्रिवन है, सपोज ये चला रहा है और ये चल रहा है इसके चलाने के बाद, अब ये चला रहा है तो अब ये इधर से खींच रहा है ना, तो ये खींच रहा है तो यहाँ से खींच रहा है, लेकिन पट्टा कितना खींचा हुआ आ रहा है, इतना पट्टा खींचा हुआ आ रहा है भाई, ये पीछे का पट्टा जो आ रहा है ये टच में ही नहीं है, तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वही कोशिश कर रहा है इस नंबर दो की पुली को घुमाने के, इतना जो टच में है वही, तो ये हवा में है वो थोड़ी ना घुमाने का प्रयास करेगा, तो यहाँ इतने एरिया पर ये दम लगा पा रहा है घुमाने के लिए। लेकिन क्रॉस में क्या कर रहा है, देखो ये एक नंबर खींच रहा है, एक नंबर कहाँ से खींच रहा है, यहाँ से, ये देखो आप, यहाँ पर ये छोड़ रहा है, मतलब ये इतने एरिया पर काम कर रहा है इसको खींचने के लिए। अब मुझे बताओ किस में एरिया ज़्यादा है, दो में या एक में? साफ साफ दिख रहा है क्रॉस पट्टा चालन में ज़्यादा एरिया अवेलेबल है अपना, मतलब फ्रिक्शन सरफेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा तो ये ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगी, इस कारण से क्रॉस पट्टा चालन की क्षमता ओपन पट्टा चालन या ओपन बेल्ट ड्राइव की तुलना में अधिक होती है, पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक इनके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं, आगे आएगा ये जो पट्टे की लंबाई होती है ना, जो पट्टा लिपटा हुआ है, ठीक है ना, इस पट्टे की लंबाई क्या होती है, तो इन दोनों केसेस में अलग अलग है। अगर मैं इसको त्रिज्या को R1 बोल दूँ, इसकी त्रिज्या को R2 बोल दूँ, और दोनों सेंटर सेंटर की बीच मध्य की दूरी को Y बोल दूँ, इधर भी वही Y है, इधर भी वही Y है, तो उस केस में ओपन पट्टा चालन में जो फॉर्मूला आता है पट्टे का, वो कितना आता है, पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू वाई प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन वाई, ये आता है खुला पट्टा चालन या ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए बेल्ट की लेंथ। यही वाली लेंथ इसमें क्रॉस में कितनी आती है, यही वाली लेंथ आती है क्रॉस में
आर वन प्लस आर टू प्लस टू वाई, यहाँ तक कोई अंतर नहीं है, टू वाई तक सेम है फॉर्मूला, बस इसमें क्या होगा आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर अपॉन वाई, जो यहाँ माइनस था वो यहाँ पर प्लस हो जाता है, सिर्फ इतना सा अंतर है, ठीक है। बाद में इनके डेरिवेशंस भी कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन फॉर्मूलाज पर कई सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका डेरिवेशन हम सेपरेटली देखेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला ओपन और क्रॉस के केस में होता है। तो हमने टाइप्स ऑफ जो बेल टाइप थे वो देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी रेशियो की ओर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके साथ साथ जब हम टाइप ऑफ बेल ड्राइव बता रहे थे तो ये तो थी मुख्य रूप से बेल ड्राइव के प्रकार, लेकिन आपको कई जगह कंपाउंड बेल ड्राइव भी देखने को मिल सकती है। कंपाउंड मतलब जरूरी थोड़ी ना बेल्ट कोई ऐसे ही लगाएगा, बेल्ट तो कोई कैसे भी लगा सकता है ना, क्योंकि भाई मैं एक पुली से मुझे अगर दो पुलियाँ घुमानी है, एक मुझे ये भी पुली घुमानी है, एक मुझे ये भी पुली घुमानी है, तो मैं ये मेरी ड्राइवर पुली है, ठीक है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, मैं यूँ पट्टा खींच के उसी पट्टे को इससे लपेटते हुए ऐसे लाऊँ, कर सकता हूँ ना मैं काम, तो इससे मैंने इसको भी घुमाया, इसको भी घुमाया, तो ऐसा भी विन्यास हो सकता है। इस केस में इसको ओपन बेल ड्राइव डायरेक्टली मत बोलना, क्योंकि हमने वो नाम केवल दो पुलिस के केस में दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं। कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि ये एक गिरनी है, उससे आप दूसरी गिरनी को घुमा रहे हो, घुमा दिया सर, एक नंबर से आपने घुमा दिया दो नंबर को, ठीक है सर। अब दो नंबर वाली शाफ्ट पे ही एक और गिरनी लगी हुई है, उससे आप तीन नंबर को घुमा रहे हो। अब ये तो है तीन नंबर और ये है चार नंबर। अब देखना, एक नंबर चली, एक नंबर ऐसे चल रही है, तो एक नंबर के चलने के कारण ये पट्टा कैसे चल रहा होगा ऐसा, तो ये वाली गिरनी कैसे चलेगी, दो नंबर भी ऐसे चलेगी। अब दो नंबर और तीन नंबर सेम शाफ्ट पर है, मतलब कंपाउंड गियर्स पड़े थे हमने, वही वाला हाल यहाँ पर है, तो दोनों गिरनियाँ एक शाफ्ट पर है, तो ये ऐसे घूम रही है, तो उसी रफ्तार से तीन नंबर ऐसे घूमेगी, तो ये ऐसे घूमेगी, और ये पट्टा ये कैसे घुमा के लाएगा ऐसे। तो इस प्रकार के विन्यास को कंपाउंड बेल ड्राइव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे कई सारे विन्यास मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बेल ड्राइव के हमारे पास दो ही टाइप हैं, क्रॉस और ओपन, मैंने आपको बता दिया। ऐसे कुछ भी कितने भी देखने को मिल सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना कि ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उस प्रकार से लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बेल ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं।